हाई गाइस, माई सेल्फ सीमा सेलजानन, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल साई एडवांस फॉर लाइफ साइंस। टुडे आई विल डिस्कस हियर कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs। इस वीडियो में हम एक पार्ट सी ग्राफिकल क्वेश्चन है DNA रेप्लिकेशन से 2013 दिसंबर के सी सेक्शन का, उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs तो देखेंगे ही, इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। और मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको इन डिटेल ये कॉन्सेप्ट देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पहले डिकोड करें। ये हमारा क्वेश्चन है। इन अ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग DNA पॉलीमरेज 1 Mg2+ DNTPs में DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP S3 द फॉलोइंग DNA मॉलिक्यूल्स वेर एडेड। सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में जो DNA पॉलीमरेज और ये DNTPs को हम एडिट करेंगे। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और उसी चार ऑप्शन के आधार पे ग्राफ बना हुआ है। कौन सा ग्राफ फिट बैठ रहा है किस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, वो हमें देखना है। तो देखिए पहले में क्या बोल रहा है। पी में सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल कंटेनिंग 824 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका हम डिटेल अपने तरीके से देखेंगे। पहले में क्या बोल रहा है, देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर DNA है, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर DNA बनाया है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 824 न्यूक्लियोटाइड है। इसमें देखिए कहीं से भी आपको फ्री 3' OH दिख रहा है तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ DNA रेप्लिकेशन मीन्स DNA पॉलीमरेज को क्या चाहिए, दो चीज़ तो पॉलीबिटिया को चाहिए ही चाहिए, 3' OH जो कि उसको कौन ला के देता है, पापा ला के देते हैं, प्राइमेज देते हैं, और 5' फॉस्फेट, 3 ओरियो बिस्किट और 5 पर्क चाहिए जो ताऊजी ला के देते हैं। ये ताऊजी और पापा की बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने एक एनालॉजी दिया था उस वीडियो में इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ DNA रेप्लिकेशन में, वो अगर आप डिटेल देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर DNA है, ठीक है, 824 न्यूक्लियोटाइड है, नो फ्री 3' OH, मतलब कि यहाँ पर 3' OH भी नहीं है और टेम्पलेट में भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या DNA सिंथेसिस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल हैविंग 1578 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्ड विथ अ लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल ऑफ 824 न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग फ्री 3' OH ग्रुप। इसमें तो 3' OH बता रहा है, तो हम अपने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखें। यहाँ देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर DNA बना हुआ है लेफ्ट साइड, ठीक है, जो कि 1578 न्यूक्लियोटाइड का है, और दूसरा है लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो कि 824 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, तो ब्लू कलर में दिख रहा है, जिसके पास कि फ्री 3' OH है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस यहाँ पर फ्री 3' OH भी है और अंदर वाला स्ट्रैंड जो है उसको टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो 3' OH भी मिल रहा है और टेम्पलेट भी मिल रहा है। टेम्पलेट कैसे मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3' OH है नीचे, वहीं से DNA पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड एडिशन का, और अंदर वाला जो स्ट्रैंड है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगा और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। तो यहाँ पर DNA सिंथेसिस होगा, बिल्कुल होगा, तो पॉलीबिटिया की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, 3' OH भी और टेम्पलेट भी। और ये वाला ग्राफ हमने देखा है कि क्वेश्चन में यही ग्राफ फुलफिल हो रहा है इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। फिर भी हम सी और डी दोनों एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब सी और डी मीन्स इन द सेंस आर एंड एस। डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA मॉलिक्यूल कंटेनिंग 1578 न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग फ्री 3' OH एट बोथ एंड्स। यहाँ पर 3' OH तो बोल रहा है, लेकिन आइए देखते हैं टेम्पलेट है क्या। यहाँ देखिए यहाँ लीनियर हमने आर में बनाया है, फ्री 3' OH तो दिख रहा है, लेकिन 5' ओवरहैंग दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA कंटेनिंग 1578 न्यूक्लियोटाइड हैविंग फ्री 3' OH एट बोथ एंड्स तो है, तो इसका एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो रहा है,
फ्री थ्री प्राइम ओएच का, बट टेम्पलेट इसको नहीं मिल रहा है क्योंकि फाइव प्राइम ओवरहैंग तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। और इसी तरह डी में भी दिया हुआ है डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए हैविंग 824 न्यूक्लियोटाइड, इसके पास फ्री थ्री प्राइम ओएच नहीं है बट टेम्पलेट तो है, लेकिन हमें दोनों चीज़ चाहिए तो इसमें भी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। तो सेकेंड जो क्यू एक्सप्लेनेशन है वो किस ग्राफ के साथ सूट कर रहा है, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे इनक्यूबेशन टाइम है और वाई एक्सिस पे डीएनए सिंथेसिस बता रहा है, जिसके पास की दोनों चीज़ है, फ्री थ्री प्राइम ओएच भी है और टेम्पलेट भी है। देखते हैं हमारा आंसर, तो इस हिसाब से क्यू सबसे ऊपर होना चाहिए और पीआरएस नीचे होना चाहिए। इस चारों ग्राफ में ए बी सी एंड डी में बस एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें कि क्यू सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस बता रहा है, जहाँ पर कि 100% डीएनए सिंथेसिस लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे और इनक्यूबेशन टाइम एक्स एक्सिस पे बता रहा है। तो क्यू में हमारा डीएनए सिंथेसिस होगा, क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन के हिसाब से क्यू में थ्री प्राइम ओएच भी है और टेम्पलेट भी मिल रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग 1578 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्ड विथ अ लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ 824 न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग फ्री थ्री प्राइम ओएच। हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा, यहाँ देखिए क्यू का एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से, यहाँ पर फ्री थ्री प्राइम ओएच भी है और टेम्पलेट भी है, इस तरह डीएनए पॉलीमरेज का दोनों रिक्वायरमेंट पूरा है हो रहा है, इसलिए डीएनए सिंथेसिस होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू सबसे ऊपर है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।